बच्चों आज हम मैं आपको पढ़ाऊंगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सक्सेसिव डिफरेंशियल के अंदर यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताएं, तो आप कैसे बताओगे? कोई भी क्वेश्चन है, जैसे y इक्वल टू e की पावर ए एक्स प्लस बी, इसको सॉल्यूशन करने के लिए अगर आपसे बोला गया है कि एनी डिफरेंशियल बताना है इसका, तो कैसे होगा? सबसे पहली बात वाई वन, y1 का मीनिंग क्या है? y1 है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ऑफ x, ठीक है। तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? e की पावर ए एक्स प्लस वी इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, तो a का क्या आ जाएगा? ए एक्स का a आ जाएगा। y2 निकालते हैं, a तो कांस्टेंट हमारा, e की पावर ए एक्स का e की पावर ए एक्स प्लस वी इंटू फिर से a आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? y2 इक्वल टू कितना हुआ? a2 e की पावर ए एक्स प्लस बी। y2 है तो a2 आ रहा है, यदि yn निकाला जाए तो क्या हुआ? an e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो इसका एनी डिफरेंशियल आगे निकल गया, ठीक है। जैसे कि अब दूसरा रूल है y इक्वल टू ए एक्स है, इसका एनी डिफरेंशियल निकालने के लिए आप लोग सभी लोग जानते हो कि डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स, यदि a कॉन्स्टेंट होता है और x पावर में है, तो e की पावर x इंटू लॉग ऑफ ए आता है निकल के डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू यदि एक्स करते हैं। यदि इसका हम वाई वन करते हैं, वाई वन का मीनिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, तो ए एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, एंड अगेन वाई टू डिफरेंशियल करना है तो क्या आएगा? लॉग ए तो कांस्टेंट है, ए एक्स का अगेन हुआ ए एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, तो लॉग ए ये क्या हो गया? इसका होल स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स, तो वाई टू क्या आ गया? लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स। तो इसी टाइप से यदि एनी डिफरेंशियल की बात करते हैं, तो वाई एन क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ ए की पावर एन इंटू, मतलब टू पावर यहाँ थी तो टू आ गया, तो ए की पावर एक्स। मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ, वाई टू क्या है? डिफरेंशियल ऑफ विद रेस्पेक्ट ऑफ वाई वन, वाई वन मतलब टी टू ओवर डी एक्स टू ऑफ वाई। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपकी किताब में कैलकुलस के अंदर चैप्टर नंबर 4 सक्सेसिव डिफरेंशियल पेज नंबर डी 105 पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ? a साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, जो प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट y2 प्लस एम टू वाई इक्वल टू जीरो। आइए चेक करते हैं, देखिए इसको। y1 मैंने आपको बता चुका हूँ क्या है, डिफरेंशियल ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1 इक्वल टू a, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एम एक्स, एम एक्स है तो क्या आ गया इसका m, प्लस b कॉस एम एक्स का क्या आएगा? माइनस के साइन एम एक्स इंटू एम एक्स का क्या आ जाएगा? m, जिसमें से m हमारा कॉमन आ गया। a cos mx माइनस b sin mx y1, अगेन y2 चाहिए मुझे, तो y2 का मतलब है अगेन डिफरेंशियल करना पड़ेगा मुझे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y2 क्या आएगा? m, a cos का क्या जाएगा? माइनस के sin mx into m माइनस b साइन एम एक्स का कॉस एम एक्स इंटू एम, एम हमारा कॉमन आ रहा है, माइनस एम कॉमन आ गया टोटल, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली इसको, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वाई है इसका मीनिंग, तो माइनस के एम ऑफ वाई दैट इज़ वाई टू, तो वाई टू प्लस एम ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ये आपकी बात प्रूव्ड हो गई, ठीक है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, किताब में ही दिया हुआ है, वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, जो मुझे प्रूफ दैट करना है, वाई टू माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट, जैसे कि डिफरेंशियल आप लोग जानते हो फर्स्ट सेकेंड लग जाता है, ओके okay, y1 निकालते हैं। y1 क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड क्या आएगा? माइनस के साइन vx इंटू पी प्लस
कॉस वी एक्स सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल ई की पावर ए एक्स इंटू ए। मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने क्या है। यदि आपके दो कांस्टेंट हैं तो दो ही बार डिफरेंशियल करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं इन दोनों कांस्टेंटों को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। ओके आइए चेक करते हैं, वाई वन इजकल टू माइनस के वी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए, ये क्या बन गया कॉस वी एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वाई बन गया। ओके ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, अगेन डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई टू क्या होगा यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो माइनस का भी कांस्टेंट है फर्स्ट एज इट इज, साइन का क्या आ जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी प्लस साइन वी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू ए प्लस ए, वाई का क्या बन जाएगा वाई वन। मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या करना होता है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए वाई वन। ई ए एक्स ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, वाई बी स्क्वायर ऑफ वाई माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन वी एक्स यहाँ से ले लीजिए, वो क्या निकल के आएगा यदि मैं माइनस में लेना चाहूँगा तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन वी एक्स क्या मिलेगा वाई वन माइनस ए वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वाई वन माइनस ए वाई प्लस ए वाई वन माइनस के बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन इक्वल टू वाई टू, तो वाई टू इक्वल ए वाई वन, ए वाई वन कितना हो गया टू ए वाई वन, यहाँ से क्या माइनस वाई कॉमन आ गया ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करना होगा सभी टर्म्स को एक साइड ले जाइए, वाई टू माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।